आज उधम सिंह नगर में नियुक्त जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक तरफ जिले भर के दिव्यांग जन उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब समाज कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने अमन अनिरुद्ध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत उन्होंने आज से ही कार्य बहिष्कार कर धरना देना शुरू कर दिया है। उनके कार्य बहिष्कार से विभाग में आए दर्जनों दिव्यांग जनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्य बहिष्कार कर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध पर अफसरशाही और हिटलरशाही रवैये अपनाने का आरोप लगाया है। दरअसल समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने विभागीय अधिकारियों का माह जुलाई का वेतन रोक दिया है, जिससे कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। समाज कल्याण विभाग के कार्यकर्ता रामपाल मेहता ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने अपने पत्र 582 दिनांक 5 अगस्त 2022 के विभागीय कर्मचारियों का माह जुलाई का वेतन अग्रिम आदेश पर रोके जाने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध द्वारा ड्यूटी टाइम से अधिक समय तक उनके काम लिया जा रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने यूटीआई कार्ड एंट्री ना किए जाने का झूठा बहाना बनाकर कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के अलावा भी भारी संख्या में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ओवर टाइम कार्य पर सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दिव्यांग पेंशनधारियों की पेंशन जारी करने का कार्य काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं अभिलेखों के दिव्यांग लोगों को तो पहले प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो अंगहीन होते हैं और बहुत मजबूर होते हैं। कई दिव्यांग तो 100% होते हैं, तो इन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, पेंशन में भी प्राथमिकता देनी चाहिए और सुविधाओं में भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे तो समाज कल्याण अधिकारी को भी गंभीरता से लेना चाहिए और जो कर्मचारियों को परेशानी है वो भी समाज कल्याण अधिकारी को देखना चाहिए। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो उन्हें ऊपर बात करनी चाहिए, हमसे भी बात वो करें। हम भी माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से बात करेंगे। माननीय चंद्र रामदास जी बहुत अच्छे समाज कल्याण मंत्री हैं और बहुत जन समस्या का समाधान वो करते हैं। मगर ये एक बात थी कि जब से समाज कल्याण अमन अनुज ने चार संभाला, जब से ही दिव्यांगजनों को पेंशन का भुगतान रोक दिया है और वो भी बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के बिना, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो वैसे